तो अयोध्या का वर्ल्ड फेमस लाइट शो प्रोजेक्टर शो हो चुका है चालू सरयू नदी की आरती के बाद। तो यार गजब लग रहा है भाई, सुबह सुबह की जो राइड है ना भाई साहब, रिफ्रेश कर दिया इसने, एकदम खुश हो गया, जी गदगदा गया एकदम। क्या बात है, ये सब मैंने सब रील में देखा था, अब रियलिटी में देख के तो यार जय श्री राम। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे आप सब? तो आज हम अपनी पहली राइड पे चल रहे हैं लखनऊ से अयोध्या। बहुत सारी चीजें डिस्कवर करेंगे पहली राइड में, बहुत कुछ सीखेंगे, पहली बार डुगु को 0 से 100 चला के देखेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो इस मजेदार व्लॉग के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारी पहली राइड है। तो इस राइड को आप खूब सारा प्यार देना, इस व्लॉग पे खूब सारे अपने सजेशंस देना कि क्या क्या आप और देखना चाहते हो, तो मुझे उसका इंतजार रहेगा। तो बिना देरी करते हुए हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, डुगु को स्टार्ट करते हैं और जय श्री राम बोल के इस राइड पे चलते हैं। तो चलिए गाइस, आज के सफर को करते हैं शुरू। हर हर महादेव। तो गाइस शुरुआत हो चुकी है हमारे इस पहले सफर की और ये आ चुका है हमारा भोले बाबा का मंदिर, हर हर महादेव। तो इस मज़ेदार व्लॉग की शुरुआत मैं आप सबसे कहूँगा, जो लोग चैनल पे पहली बार आए थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना, इससे मुझे और मेरे चैनल को हेल्प ज़रूर मिलेगी और थोड़ा सा अपना प्यार दिखा देना कमेंट सेक्शन में। ये आ गया हम लोगों का फेवरेट फास्ट एंड फ्यूरियस वाला चौराहा कि भैया यहाँ से निकल गए तो आप कहीं से भी गाड़ी निकाल सकते हो। देखो चारों ओर ऐसा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और ये इंडियन रोड्स के जो वायरस है ना, ये टर्री वाले, या तो निकल जाओ या निकल जाने दो, लेकिन बीच रोड पे आपको रोकेंगे भी। इस टाइम पे है जागता हुआ लखनऊ, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:49। तो हमने जर्नी काफ़ी जल्दी शुरू कर दी थी आज, मतलब 7:30 के आसपास हम घर से निकल चुके थे। आ गई हमारी लखनऊ की वर्ल्ड फेमस BVD यूनिवर्सिटी बाबू बनारसी दास, और इतना सुबह का इतना प्यारा प्यारा सूरज आ रहा है, सवेरे सवेरे हल्की हल्की सी धुंध है क्योंकि सर्दियाँ अभी पूरी तरीके से आई नहीं है, इनफैक्ट सर्दी भी नहीं आई अभी तक, बस बहुत हल्की हल्की भीनी भीनी सी ठंडक हुई है। तो इस टाइप पे अगर आप राइड पे निकल रहे हो ना तो आपको जो व्यू है बहुत अच्छा मिलेगा और टेम्परेचर आप राइड के हिसाब से बहुत ही एकदम पॉजिटिव मिलेगा, तो आपका मन करेगा राइड पे जाने का। जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि मैं यहाँ पे पीछे ही रॉयल एनफील्ड का शोरूम गया जहाँ से मैंने अपनी डुगु की डिलीवरी ली थी, और जब मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी तब वो थी मेरे पास जोधपुर ब्लू वाली क्लासिक 350। तो उसकी जो स्पीड टेस्ट और जो वो सब हमने करा था, ब्रेक टेस्ट, स्पीड टेस्ट वगैरह, वो करा था यहाँ से लेफ्ट में अंदर जाके, क्योंकि ये वाला जो किसान पथ वाला रास्ता पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ पे हम गए थे। आज लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा उन्हें जाके ज़रूर देखिए, नहीं तो या तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंशनड होगा या टाइम टू टाइम आई बटन पर वैसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आते रहेंगे। तो अयोध्या बचा है 117 किलोमीटर, अभी तो हम बस लखनऊ से निकले हैं और अभी 117 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, हमारी पहली राइड है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, पता नहीं कैसा जाएगा, लेकिन जैसा भी जाएगा आपको एक बात की श्योरिटी रहेगी, व्लॉग में आपको मज़ा बहुत आएगा। 12 बचा है 8 किलोमीटर और अब हम जो ऑफिशियली लखनऊ की जो सीमा है उससे बाहर आ चुके हैं और हम घर से चले हैं अभी टोटल 12.2 किलोमीटर्स। सामने एक नीले रंग का बोर्ड आ रहा है, बहुत हल्का सा आपको दिख रहा होगा, वहाँ के बाद जो लखनऊ की सीमा है UP 32 की सीमा ख़त्म होती है। ये वाली रोड है ना, मुझे हमेशा ना थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं क्योंकि इस पर ना सीधे सीधे लाइनें बनी हुई हैं, उस पर फिर क्रैक पड़ गए हैं अगर आपको दिख रहे हो। तो ये वाली रोड ना पता नहीं हमेशा देख के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं, मतलब बड़ी अजीब सी रोड बनाई है। तो अच्छी चिकनी रोड है, कोई गड्ढा नहीं है, आप आराम से अपनी स्पीड मेंटेन करके यहाँ से जा सकते हो। इस वाले ट्रक की स्पीड 40, उस वाले ट्रक की स्पीड 41, और पिछले 5 मिनट से हम यही कर रहे हैं कि कौन सी कैसे तो आगे निकले, कोई एक ट्रक वाला भैया धड़ाम से इस ढलान से आगे तो जावे, पर नहीं कोई सा ट्रक वाला भैया आगे ही नहीं जाके दे रहा क्योंकि एक 40 पे चला रहा है, 41 पे चला रहा है। तो मुजफ्फरपुर बचा है 492, बस्ती 170 और अयोध्या यहाँ से बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर। क्या बात है। बहरहाल यहाँ पे ना बाइक चलाने में, स्पेशली डुग्गू चलाने में ना अलग ही मज़ा है। डुग्गू ऐसे टाइप के एनवायरनमेंट में ना शाइन करती है,
मतलब इतना सूरज शाइन कर रहा है लगभग उतना ही, आराम से मैं क्रूज कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, 60-70 की स्पीड है। अभी अभी एक साइन बोर्ड गया, अयोध्या बचा है सिर्फ 93 किलोमीटर, और अब हम लोगों की जो एवरेज स्पीड है वो लगभग 80 मेंटेन करके चल रहे हैं, और इस पे भी मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही, आराम से मैं चल रहा हूँ इतने सुकून में कि 80 तो ऐसा लगता है जैसे दिस इज़ वेयर कि यार आप मतलब दिस इज़ द टेरिटरी ऑफ डुगू, दिस इज़ डुगू टेरिटरी। 85 तो नहीं चला है अभी तक मैंने, बस 80 ही पहुँचाई है, देखो फिर से पहुँचाता हूँ, और एकदम स्ट्रेस फ्री 80 चल सकते हो आप नॉन स्टॉप। ये अब जो अपनी डुगू है ना इसे पहुँचाने की कोशिश करते हैं 100। चलो सामने ब्रिज भी आ रहा है ऐसे करके, वेरी गुड 90, नो वाइब्रेशंस। और बस थोड़ा सा चढ़ाई पे इतनी तेज चढ़ रही है भाई साहब, 100 ऑलमोस्ट 100। हमारा पहला टोल आ चुका है, अभी अयोध्या बचा है 88 किलोमीटर्स यहाँ से। मुझे सच में नहीं पता यहाँ पे बाइकर्स का टोल है कि नहीं है, होगा तो आपको बता दूंगा, नहीं होगा तो भी आपको बता दूंगा मैं, फिलहाल मुझे लग नहीं रहा बाय द लुक्स ऑफ इट कि यहाँ पे बाइकर्स का टोल है, लेकिन फिर भी अगर होगा शायद नहीं है, आई डोंट थिंक सो यहाँ बाइकर्स का टोल है। सो गाइस अपडेट, बाइक का यहाँ पे कोई टोल नहीं था, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो, और कार का क्या टोल था मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन करा दूंगा कि यहाँ पे जो है कार का टोल कितना है, क्योंकि कार से हम आए हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन स्क्रीन पे आपके पॉपअप हो रहा होगा। तो घर से आके हमें 50 किलोमीटर हो चुके हैं, अयोध्या बचा है सिर्फ 79, तो 50 किलोमीटर हमारी पहले राइड के पहले 50 किलोमीटर पूरे हो गए, तो आपको वर्चुअल हाई फाई है मेरी तरफ से। ये है देवेश रेस्टोरेंट एंड ढाबा। चलिए घर से तो हम ऐसी भूखे पेट आ गए थे, चलिए अब कुछ जरा सा खाया पिया जाए। तो हमारी चाय आ गई, मैंने एक ब्रेड पकौड़ा मंगाया था, अच्छा लगेगा तो और एक मंगा लूँगा, लेकिन लिख तो बहुत टेस्टी रहा है। ये रहे हमारी ग्लव्स, चश्मा, डुगू की चाबी, और ये हमारा मोटो ब्लॉक सेटअप, ये हमारा बैग। चलिए चाय नाश्ता किया जाए, और हमने जो अपना सफ़र है वो कर दिया है शुरू दोबारा से। 53 किलोमीटर हम टोटल घर से चल चुके हैं, अयोध्या 75 के आसपास बचा हुआ है, तो बढ़िया सी चाय पी, सुपर टेस्टी ब्रेड पकौड़ा खाया। फिलहाल अयोध्या बचा है 72, गोरखपुर 205, और रामसैनी घाट 4 किलोमीटर। चलिए डुगू मूड में है, और आज तो हम भी मेरा टोटल डुगू पे 80 नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं हम। एक आध कोई पैच है ऊपर नीचे, बहरहाल पूरा रास्ता जो है इतना बढ़िया है, और अब अयोध्या जो है वो अंडर 50 किलोमीटर्स बचा है, तो ये भी बहुत सही है, मज़ा आ रहा है भाई। अभी बज रहे हैं घड़ी में 9:30, और हम 80 की कांस्टेंट स्पीड पकड़ के चले जा रहे हैं, किलोमीटर खाए जा रहे हैं एकदम, मतलब बोले तो बिंदास प्रो मैक्स। तो इस राइड से मुझे ये तो पता लग गया कि हम लोगों का जो स्पिति, मनाली, लद्दाख, उमलिंगला, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ जहाँ जाने का मेरी प्लानिंग है, क्योंकि अब ऐसा होगा कि हर 15 दिन में एक राइड लगेगी और लंबी लगेगी, जैसे ही इस पर सर्विस हो जाएगी अब सब लंबी राइड होंगी। फिर धीरे धीरे अपने डुगू में हम मॉडिफिकेशन भी करवाएंगे, जैसे पैनियर्स लगवाने हैं, टॉप बॉक्स लगवाने हैं, मुझे एक और फॉग लैम्प लगवाने हैं मैड डॉग के, ताकि जब हम रात को चल रहे हैं, जब लंबे किलोमीटर चल रहे हैं, तो हाईवे पे हम 80 से नीचे ना आएँ और हम चलते चले जाएं। तो अभी काफ़ी सारा काम करवाना है इसमें, मुझे PPF का काम भी करवाना है अभी डुगू पे, तो बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग्स आने बाकी हैं। पहली सर्विस का व्लॉग आने वाला है जो कि मैं कल करवाऊँगा, तो वो वीडियो आपको 4-5 दिन में मिल जाएगा, इसके 3 दिन बाद वो वाला वीडियो लाइव हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाला है चैनल पर, आप चैनल पर बने रहे क्योंकि हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है कुछ जगह आपने देखी हो, कुछ ना देखी हो, तो जैसा भी रहेगा आपके साथ ये सफ़र ऐसा ही मज़ेदार बना रहेगा, खूब सारी बातें होंगी, खूब सारे डिस्कशंस होंगे, और बहुत सारे स्पेशल मीटअप्स होंगे, गिव अवेज भी होंगे भी मेरे चैनल पे, क्योंकि आप लोग अगर मुझे प्यार दोगे तो एज यूट्यूबर मेरे को आपको रिटर्न में प्यार देना चाहिए, तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया गिव अवेज भी करूँगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। पिछली बार हमने जहाँ चाय नाश्ता किया था वहाँ से हम एग्जैक्टली 40 किलोमीटर चल चुके हैं,
और बड़ा मजा आ रहा है क्रूज करने में। रोड बहुत ही प्यारी है, आराम से फिफ्थ गियर में क्रूजिंग मोड पे डुगू चली जा रही है। ब्यूटीफुल सा सनराइज हो रखा है, हालांकि अब तो 10:45 बज रहा है, लेकिन सुबह सुबह की जो राइड है ना भाई साहब, रिफ्रेश कर दिया इसने एकदम। खुश हो गया जी, गदगदा आ गया एकदम। अभी अभी पहला बोर्ड गया है पीछे की तरफ कि अयोध्या जो है वो 30 किलोमीटर्स बचा हुआ है, तो बस पहुंच गए हम रामनगरी अयोध्या। घर से चले हुए हमें हो चुके हैं 97.6 किलोमीटर्स। आगे बोर्ड आ रहा है उस पर भी 30, 27, 28, क्योंकि यहाँ पे ना तीन बोर्ड अगर आपको मिलेंगे तो तीन बोर्ड पे तीन अलग डिस्टेंस दिखाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण में आपका स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या का जो होता है शहर में, अयोध्या सिटी में हम एंटर कर चुके हैं, और घर से चले हुए हमें एग्जैक्टली 100.3 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर में हम अयोध्या तो आ गए। यहाँ पे भी बाइक्स का जो है कोई टोल नहीं लगेगा आपको, अगर आप टू व्हीलर पे आ रहे हो तो आप बाइक से आओ, फट से लेफ्ट वाले टोल से टक से निकल जाओ। तो भाई लोग, हमने जो है मैप लगा लिया है, 10:27 दिखा रहा है कि हम पहुँचेंगे राम मंदिर। पहला गेट डल गया, चलिए यहाँ पे भी टोल नहीं लगा था, हमें पीछे भी टोल नहीं लगा था, ये बड़ी अच्छी बात हुई। जय श्री राम। अब हर 2 से 4 किलोमीटर के अंतराल में जब इस तरीके के बोर्ड आपको राइट साइड मतलब सेंटर ऑफ रोड में लगे हुए मिल जाते हैं ना, तो आपको पता है कि आप बस राम जी की जन्मभूमि में चल रहे हो, पहुंच चुके हो। क्योंकि एक तो ये बोर्ड बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत, और जब रात को इनमें लाइट जलती है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और द लैंड ऑफ रामा अयोध्या, क्या बात, मज़ा आ गया, मज़ा एकदम रिफ्रेश हो जाते हो। आगे हमें वहाँ से लेफ्ट लेना है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 1.2 किलोमीटर्स, और वहाँ लग रहा है भाई साहब जाम, और कायदे से जाम लग रहा है, क्योंकि जो ओवरब्रिज है वो अभी बना नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अब हमें जाना है ट्रैफिक में से निकल के रामनगरी अयोध्या में। आपका स्वागत है दोस्तों, बहुत सारे ट्रैफिक के साथ, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है कि फुटपाथ पे से डुग्गू चला के निकाल रहा हूँ। वाव, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ इट, क्या व्यू आया है गाइज। जय श्री राम। भाई साहब ये व्यू देख के तो जी गदगदा गया मेरा। वेलकम टू अयोध्या। अरे वाह, मैं एक्चुअली राम मंदिर बनने के बाद पहली बार आया हूँ। ओह माय गॉड, जय श्री राम, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया गाइज। राम नगरी अयोध्या हम पहुँच चुके हैं, और भाई साहब यहाँ से देखो, श्री राम जन्म भूमि तीर्थ 11.2, हनुमानगढ़ी 11.5 और नया घाट 12.9। ये खड़ी डुग्गू, वो नहीं मम्मा, हमने सोचा यहाँ रुक के थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दें, स्टेटस अपडेट दे दें। भाई साहब डुगू पे आने में बहुत मज़ा आया, बहुत कंफर्टेबल है। एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने, थोड़ी सी रील बनाई, थोड़ा सा घर वालों को वीडियो कॉल पे दिखाया है कि हम डुगू के साथ पहुंच गए। भाई साहब और कितनी खूबसूरत ये दुकानें बनी है, भाई साहब नाम वाम के साथ है, कहाँ पर क्या है, वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये जो सूर्य स्तंभ बने हुए हैं भाई साहब, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जब रात में इनमें लाइट जलती है ना तो ये और भी मतलब ब्यूटीफुल अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाते हैं। तो ये रहा अयोध्या बस स्टेशन, आप अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट बस से आओगे तो यहाँ पे बस लग जाएंगी, और यहाँ से फिर प्रतापगढ़ प्रयागराज यहाँ की तो बस खड़ी हुई है, यहाँ से फिर आपको मोस्ट प्रॉब्ली टिर्री या ई रिक्शा, आप जो भी बोलो, ये लेना पड़ेगा आपको। तो आप लोग जब धनुष वाली जगह से एंटर करोगे तो रेड लाइट आएगी, और रेड लाइट से आपको लेफ्ट जाना है अयोध्या धाम जाने के लिए। ये भी सही है, पता तो लग गया कम से कम, और इस बहाने आपको भी बता पाया मैं। सच ब्यूटीफुल, मतलब ये कॉरिडोर कितना खूबसूरत है यार, है ना, एकदम यहाँ आती जय श्री राम वाली फीलिंग एकदम एकदम बोले तो एकदम ऐसा एक्सेंचुएट हो गई है। ये का नाम है राम पथ, और आप जैसे इस रास्ते में चलते चले जाओगे आपको पता लग जाएगा कि आप राम मंदिर की ओर अग्रसर हो, आप सही जा रहे हो।
यहाँ पे ये बहुत सही है कि आपको ना देख के पता लग जाएगा, विजुअली आप बता सकते हो कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और राम जी से बस मिलने वाले हो। सीधे जाइए तो आपको किसी भी इंटरसेक्शन पे आप मुड़ना नहीं है, बस बोर्ड फॉलो करते रहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर लगभग आधा पौना किलोमीटर पे ना बोर्ड लग रहे हैं, तो अगर आप जैसे यहाँ पे पहली बार आ रहे हो और कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप बोर्ड फॉलो कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है, आई लाइक दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, की ना उसको इस तरीके से डेवलप किया गया, क्योंकि जनरली इस तरीके की जगह जब आप विजिट करते हो ना तो बड़े कन्फ्यूजिंग रास्ते होते हैं, कुंज सी गलियाँ, तो छोटी गलियों को कुंज गलियाँ कहते हैं, जो कि हमारे वृंदावन में होती है, वहाँ भी चलेंगे घूमने। तो भाई साहब बहुत बढ़िया, पहुँच गए हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। जय श्री राम। यकीन नहीं हो रहा कि पहला जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है हमने। भाई साहब अभी भी ये सपना जैसा लग रहा है। जय श्री राम। ये जो रास्ता है ये अब सीधा वहाँ जा रहा है, राम मंदिर। फिलहाल जो है दर्शन बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दर्शन ना 11:30 बजे क्लोज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दर्शन खुलेंगे, हम चलेंगे दर्शन करने। जहाँ तक भी कैमरा अलाउड होगा मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, राम मंदिर का जो काम है भव्य तरीके से यहाँ पे चल रहा है, और कितना गजब। चारों ओर इस टाइम पे हल्का सा वो, क्योंकि ये मार्बल सैंडिंग वगैरह हो रहा है तो काम चल रहा है। फिलहाल अब हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी, यहाँ से राम मंदिर जी का रास्ता है, अभी हम चलेंगे सेकेंड हाफ में, लेकिन पहले अब चलते हैं हनुमानगढ़ी। श्री राम जी का विष्णु अवतार पूरा दर्शाया गया ये साइड साइड से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किस मटेरियल के होते हैं भैया? ये टोन स्टोन का फाइबर है। अच्छा, और अगर कोई छोटे वाले लेना है तो कितने के आते हैं ये वाले? इस छोटे वाले 100 रुपीज और 9 का दे देते हैं। अच्छा, हमने तो भैया बड़े वाले पैक कर दीजिए भैया, एक रामलला तो हम लेके जाएंगे। अरे वाह, एक ये भी फ्रिज मैग्नेट भी, दो चीजें हम लेके जाएंगे भैया, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की याद कलेक्ट करते हैं हम। बहुत बढ़िया, आप इसको धुल भी सकते हैं, बारिश में गंदा हो जाए। अच्छा, तो ये धुल भी सकता है? धुल सकते हैं। अरे दिखाइए भैया। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। नाम है? नाम निवास तिवारी। अरे वाह, तो आपका नाम छोटे महाराज जी क्यों है? अच्छा, बड़े महाराज जी घर पे रहते हैं, हम लोग छोटे महाराज जी। अरे वाह वाह, आप जब राम मंदिर वाले रास्ते सीधे चलेंगे, थोड़ा सा ही आगे चलेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलना पड़ेगा आपको, और आप पहुंच जाओगे हनुमानगढ़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए मम्मा जाएंगी यहाँ पे अब दर्शन करने। जय हनुमान बाबा। चलिए आप दर्शन किए जाए। हम आ चुके हैं सरयू नदी की ओर, और ये लेफ्ट साइड में है राम की पैड़ी, वहाँ पे है सारे सूर्य स्तंभ। भाई साहब ये कितना खूबसूरत लगता है, ये वाला माँ सरस्वती का जो ये वाला उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। ये खड़ी हमारी डुग्गू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोड ट्रिप्स ऐसे कर पाऊँगा, और हम खड़े हैं सरयू घाट पर। जय श्री राम। एज अ बाइकर दिस फील्स सरियल, कि पहला जो टारगेट था हम यहाँ तक आए, यहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे है राम की पैड़ी, अभी वहाँ भी चलेंगे, पर यहाँ आके जी गदगद हो गया भाई साहब। तो पहले हम वहाँ ऊपर थे, अब हम आगे नीचे सरयू नदी किनारे। जय हो सरयू मैया। ट्रैवलिंग इज फन यार, आओगे तो कुछ अलग लेके जाओगे, अलग फील करके जाओगे, मज़ा आया। अयोध्या का वर्ल्ड फेमस लाइट शो, प्रोजेक्टर शो हो चुका है चालू सरयू नदी की आरती के बाद। यार गजब लग रहा है भाई,
सरयू मैया के दर्शन हो गए। और इस टाइप की चढ़ाई पर डुगू कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो फर्स्ट गियर सेकंड गियर लो एंड टॉर्क डुगू का बहुत प्यारा है। दर्शन बहुत बढ़िया हुए, आई होप आपको देख के मज़ा आया हो। अभी बहुत सारी मस्ती और बाकी है। अभी हम आए तो शहर में से थे लेकिन जाएंगे यहाँ से। ओ भाई साहब, कोई बड़ा अधिकारी आया ऐसा लगता है, तभी रोड जाम कर रखी है। यहाँ पे है हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका का उजाड़ना। क्या बात है, यहाँ पे दीवारों पे अलग अलग वो बने हुए हैं, श्री राम हनुमान जी को हृदय से लगाते हुए। वाह क्या बात है, प्रस्थान समुद्र ओर की तरफ। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। ये सब मैंने सब रील में देखा था, अब रियलिटी में देख के तो यार जी ही खुश हो गया मेरा। वाह भाई साहब, क्या क्या बना दिया है अयोध्या में, कितना खूबसूरत बनाया है वो देखो। माय गॉड, अयोध्या से जब आप बाहर की ओर निकलोगे तो इस गेट से निकलने की कोशिश करना, इतना खूबसूरत आपको रास्ता मिलेगा ना कि आपके मुंह से एक बार को तो निकल ही जाएगा, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अब हम ज्वाइन कर चुके हैं हाईवे, लखनऊ दिखा रहा है यहाँ से 138 किलोमीटर्स। आगे जो रास्ता आ रहा है वहाँ से लेफ्ट सुल्तानपुर 65, रायबरेली 146, दिल्ली 685 किलोमीटर्स सीधे जाके। बहुत सही, 685 किलोमीटर। दिल्ली भी जाना है, डुगू में कुछ अपग्रेड्स करवाने मुझे, क्योंकि दिल्ली में मुझे सही चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती या महंगी की बात नहीं, सही प्राइस मुझे दिल्ली में मिल रहा है, तो कुछ चीज़ें लगवाने में दिल्ली भी चलेंगे। बस अब ये कल होगी सर्विस, आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि ये टोटल चला ली है हमने 425, घर पहुँचते पहुँचते 500 का मार्क आ जाएगा। स्वाद अयोध्या की ओर आ गए, चलिए स्वाद अयोध्या में वेजिटेरियन खाना खाया जाए, ये भी ठीक है। तो जो चिकन मटन वगैरह खाना चाहते हैं वो आप कालका वैली पे रुक सकते हैं, और मेरी तरह वेज वाले लोग जो हैं वो स्वाद अयोध्या जाइए। खाना हमारा आ गया, बटर रोटी और दाल तड़का। चलिए फटाक से लंच करें, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। खाना बहुत बढ़िया था यहाँ का, तो अगर आप लोग यहाँ से गुजर रहे हो और भूखे हो तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है इस जगह पे आके आप खाना खाइए। आप घर का ATA 421 दिखा रहा है, पहुंचते पहुंच ही जाएंगे, अभी तो दो टोल क्रॉस करने। तो हमारा जो है पहला टोल आ गया, अब हम अयोध्या की सीमा से जो है बाहर आते जा रहे हैं। यहाँ पे जो कार्स का जो टोल लगना है वो है 120 सिंगल। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस ट्रिप के 200 किलोमीटर हमारे पूरे हो गए। तो ये पहला ऐसा ट्रिप है जिसमें हमने वन गो में, मतलब एक सिंगल ट्रिप पे 200 किलोमीटर पूरे किए हैं, तो हाई फाई आप सबको वर्चुअली। अभी घर का ETA 4:11 दिखा रहा है, वहाँ पे कितना ज़्यादा था और हमने अब इसे कम कर लिया है। कैसे, बस 80 पे चले जाओ, डुगू को अपनी जो है क्रूजिंग मोड में डालो और फिर भूल जाओ। तो इस टाइम पे 251 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं आज के ट्रिप पे। ट्रिप अपडेट, एक्चुअली किलोमीटर अपडेट ऑन द ट्रिप। घर बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है, अब ETA 440 का दिखा रहा है। अनफॉर्चुनेटली GoPro की बैटरी थोड़ा सा गड़बड़ कर गई थी, मेरा GoPro स्विच ऑन ही नहीं हो रहा था, मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा तो ये ETA आगे भग गया।
सूरज अभी दिख रहे थे, सूरज देवता जी अब छुप गए बादलों के पीछे, लेकिन जो ये इवनिंग आवर हो रहा है कितना प्यारा हो रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। क्लियर वो है कोका कोला की फैक्ट्री, यहाँ बनती है कोका कोला, और वहाँ पे ये जितने भी रेड क्रेट्स दिख रहे हैं ना, ये सब में कोका कोला लदी हुई है, या तो भरी हुई या खाली शीशियाँ, क्या बात है। ये हमारा बाबा का मंदिर, हर हर महादेव, बस इस अंडरपास के बाद घर आ जाएगा। ये लास्ट सिग्नल था भाई साहब, बड़ा ट्रैफिक मिला हमें लखनऊ में एंटर होने के बाद। टोटल ट्रिप रहा 282.3 किलोमीटर्स, हम घर आ चुके हैं, और जो टोटल डुग्गू चल गई है वो चल गई है अभी 546.1 किलोमीटर्स।